भैया राजेश जी, छोटी सी बात है, जरा लिखें। बहुत पुरानी धुन बजी संजय दादा की, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। क्यों? अभी कुछ समय पहले एक महीना निकल के गया है सावन का, और सावन का महीना पूरा भोले बाबा को समर्पित है। लेकिन भाई राजेश भैया जी, ये न सोचे कि आपने पहले से ही ऐसा गीत गा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर गीत है और धुन बिल्कुल सादा गा रहा हूं। थैंक यू। सावन का महीना आता है कि सावन के इस माह में शिव की होती जय जयकार है। क्यों भैया राजेश जी, बहुत सुंदर बहुत प्यारा गीत दे रहा हूं आपको कि सावन के इस माह में शिव की होती जय जयकार है। वैसे हर दिन प्यारा शिव को, हर दिन प्यारा है और क्या, कि सावन के इस माह में शिव को, कि सावन के इस माह में शिव की होती जय जयकार है। क्यों वैसे हर दिन प्यारा शिव को, लेकिन वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार है। बहुत प्यारा सा गीत है, कोई खास बात नहीं है राजेश भैया जी। वैसे हर दिन ये हमारे सालू बेटा की तरफ से एक क्या रुपए का आशीर्वाद है, और ये हमारे अजीब दान आया है, रोजगार। ये हमारे रोजगार लिखी है, पता नहीं क्या है, सही से लिख के ना। समाज सेवक हैं भैया, उनकी तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद है। धर्म है कि पति सेवा में तत्पर होकर पत्नी सदा ही खड़ी रहे, पति चरणों को स्वर्ग समझ कर पतिव्रत धर्म पे चढ़ी रहे।
राजेश भैया, पत्नी का स्थान है पग में, क्या पे पत्नी का कर्तव्य है पति के चरणों का ध्यान, लेकिन कि पत्नी का स्थान है पग में तो गंगा सर पे सवार है क्यों, जब स्थान चरणों में है और क्या, कि पत्नी का स्थान है पग में तो गंगा सिर पे सवार है क्यों, लेकिन सभी देवता दिन में पूजते, कि सभी देवता दिन में पूजते तो रात में शिव त्रिपुरारे के बारे शिवरात्रि आती है तो रात्रि में पूजा होती है भोले बाबा की और क्या। आगे लिखा कि भस्म त्रिपुंड शूल बागम भर, कि भस्म त्रिपुंड शूल बागम भर शोभित संग सरोहर है, भस्म त्रिपुंड और बागम भर शोभित संग धरोहर से सजल नयन दोना शिव जी के लगते मान सरोवर से, लेकिन वो दोनों नैना जल से भरे हैं क्योंकि भोले बाबा बड़े दयालु हैं, कि दोनों वो दोनों नैना जल से भरे हैं पर तीजे में अंगार है क्यों, कि दोनों नैना जल से भरे हैं और ये हमारे सम्मानी भैया जन्मे नगला धर्म पर बारों की तरफ से क्यामर पर आशीर्वाद आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बंधन है, कि दोनों नैना जल से भरे हैं पर तीजे में अंगार है क्यों, लेकिन सभी देवता दिन में पूजते रात में शिव त्रिपुरार है क्यों, इधर जब कालकूट नाम का विष निकला सागर के मंथन में तो कहा के भोले बाबा को दे दिया जाए, लला सीताराम की तरफ से ये 21 रुपए का आशीर्वाद आया है, हाथ हाथ का अभिनंदन है, बंधन है, जब इसका पान करने लगे भोले बाबा तो सोच रहे हैं क्या, के हृदय में हर कान निवास है, अगर मेरे सीने में हरी है, अगर ये विष का पान अगर मैं हलक से नीचे ले गया तो मेरी हरी की हत्या हो जाएगी। ओ, क्या बात है। के हृदय में हरी का निवास है, शिव ने मन में विचार किया, हर को हमारे कष्ट न होवे करण कंठ पे हारिया,
राजेश भैया जी। अमरनाथ जब स्वयं है शिव तो हलक पे कंठ को अपने कंठ पे ही उस हलालन को रोक लिया और इधर कवि कह रहा है कि अमरनाथ जब स्वयं है शिव तो फिर शीश पे सुधा की धार है क्यों। भाई राजेश जी बहुत सस्ता गीत दे रहा हूं आपको कि अमरनाथ जब स्वयं है शिव तो फिर शीश सुधा की धार है क्यों। वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे शीशो आशीर्वाद हमारे सम्मानी मास्टर श्री सत्येंद्र कुमार जी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है वंदन है। अंत में जो भोले बाबा का परिवार है दादाजी भोले बाबा के जितने भी परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी विरोधी वो कैसे विरोधी साथ में रहते कि सदा विरोधी साथ में रहते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भोले बाबा के विरोधी कौन है क्योंकि जहां भोले बाबा है वहां नंदी है बैल और उनके परिवार में भवानी माता पार्वती उनकी सवारी है शेर तो शेर बैल का इधर ये 100 रुपए का आशीर्वाद भैया मनीष और मनोज आगरा वालों की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है वंदन है। सदा विरोधी साथ में रहते फिर भी सुखी परिवार रहे। पुष्पक दिया है पुष्पक दे दिया है कुबेर को खुद पे लपे सवार ससुरार है क्यों। और ये फिर से 21 रुपए का आशीर्वाद सीताराम जी की तरफ से हाथ हाथ का अभिनंदन है बंधन है कि सदा विरोधी कि कदम छोड़ कर काशी नगरी शिव को प्रिय ससुरार है क्यों। लेकिन हर दिल प्यारा शिव को सौंदर्य को लेकिन प्रिय छोकार है क्यों। और ये एक
चंचल हसीना ऐ नाजनीना तेरी राजा ने ये शर्त रख दी जो ये हमारे सम्मानी बड़े भैया सुभाष जी हाजीपुर नेरा वालों के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। शर्त रख दी कि जो कढ़ाई में जो तेल खोल रहा है ऊपर मछली है, जो निशाना लगाएगा उसी के साथ शादी हो जाएगी राजकुमारी की। लेकिन वहां शर्त क्या है? क्या कि ऊपर बंधी चक्र पे मछली डोले है जो बीरा को डोले। और ये हमारे सम्मानित श्री संजय सिंह भरतना वाले उनके कर कमलों द्वारा ये 101 रुपए का आशीर्वाद दान हुआ है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। ऊपर बंधी चक्र पे मछली डोले है जो बीरा को डोले ले के नीचे कराई में तेल खोले उसकी भैया जी सुनना कट भी इसको कि नीचे निगाहें और ऊपर निशाना ऐसा हमारे सम्मानी संजय उनके फूफा जी भरतना वालों की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। नीचे निगाहें और ऊपर निशाना ऐसा सुना राजेश भैया कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ऐसा सुना और अपने चलते चलते महामंत्र ओढ़ली चुनरिया मेरे तेरे नाम की ओढ़ली चुनरिया मेरे तेरे नाम की मोए प्यारी हो मोए प्यारी हो मोए प्यारी ना दे बात भी घटना सम्मानी भैया राजेश जी